हेलो दो मुसाफिर फैम जैम, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग डे टू ऑफ आर बैम विदाउट अ कार ट्रैवल सीरीज। वेल, हमारी मॉर्निंग इतनी धमाकेदार शुरू हुई थी ना यार, हमने सोचा था 9 बजे तक उठेंगे, उड़ गए हम 8 बजे। अभी ना टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री सेल्सियस। वो तो अभी हो रहा है, जब हम उठे थे उस टाइम पे 6 डिग्री था। गाइस, अगर आप लोगों का प्लान है ना ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर के टाइम फ्रेम में आने का, तो प्लीज ये जैकेट्स विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि सुबह एंड शाम तो भाई भयंकर ठंडी होती है। अच्छा जी, गाइडेंस दे कौन रहा है भाई साहब? ये लड़का बोल रहा था कि मैं कोई जैकेट वैकेट लेके नहीं जाने वाला हूँ, मैंने फोर्स किया था। देखो जी, स्टाइल मार रहा है यहाँ पे वीडियो। मेरा थॉट प्रोसेस था कि टोरंटो में हो रहा है 28-30 डिग्री, तो बैंफ कितना ही ठंडा होगा यार। एंड यार, इतनी प्यारी धूप निकली हुई ना, मतलब हमारी आग भी नहीं खुल रही, पर इतना प्यारा सनकिस्ट फीलिंग आ रही है ना, इट इज अमेजिंग। तो यार, कल का दिन तो हमने पूरा ट्रैवल किया था, तो इतना कचड़ कचड़ खाया है, तो आई थॉट कि आज की मॉर्निंग ना थोड़ी फ्रूट्स वगैरह से शुरू कर दें, ताकि एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो लेटर। तो यहीं पे बगल में कूप है, कूप जो भी बोलते हैं, सो वी थॉट कि वहां से कुछ ना कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपना लिप बाम जो खत्म हो चुका था वो ले आई, नया वाला नहीं लेके आई, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो रही है। तो एलसी अगर वहाँ मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और बाय द वे, कल का व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो जाके अभी देख के और खूब सारा प्यार बरसाओ। कूप जो था वो तो बहुत ही बढ़िया था, बनाना भी मिल गया, वैसलीन और लिप बाम भी मिल गया, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब होते हैं फटाफट से रेडी और आज की आइटनरी शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, इस टाइम पे 10:30 हो रहा है एंड हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा डे टू ऑफ बैम्फ विदाउट अ कार ट्रैवल सीरीज। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डाउनटाउन बैम्फ के साथ, आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, क्या नजारे हैं वहाँ के वो दिखाते हैं। दोस्तों, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे, क्योंकि हम काफी सारा ट्रैक और काफी सारा हाइक करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाने वाले हैं। बट सबसे पहले हमने सोचा कि हम लोग डाउनटाउन एवेन्यू जाएंगे, क्योंकि मैंने पहनी एक अमेजिंग सी ड्रेस जिसमें मुझे फोटो खिंचानी है। सो गाइस, हम लोग फाइनली डाउनटाउन बैम्फ पहुंच गए हैं। दिस प्लेस इज आल्सो कॉल्ड बैम्फ एवेन्यू एंड यहाँ पे सारी मेन शॉप्स, खाने पीने का, शॉपिंग का, आपको जो भी चाहिए, होटल्स वगैरह सब कुछ नहीं सेंट्रलाइज्ड हैं। होटल्स यहाँ पे काफी कॉस्टली हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी इनिशियली यही चेक किया था कि यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाए, बट यहाँ बहुत प्राइसी है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर रहना है, यू हैव टू बुक वेल इन एडवांस। दोस्तों, हम डाउनटाउन उर्फ बैम्फ एवेन्यू एक्सप्लोर ही कर रहे थे कि हमें भूख लग पड़ी है, हमने अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करी, वीडियोस वगैरह शूट करी हैं, इतनी प्यारी धूप हो रही है। शुरुआत में तो ठंडी लगी थी, अब मस्त टेंपरेचर हो रखा है, हमें भूख लग गई है। और हम अपने लंच के लिए आए थे ऊना पिज्जा एंड वाइन पे, दे हैव सम वेजिटेरियन फ्रेंडली ऑप्शंस, तो हमने ऑर्डर किया है, जैसे ही आता है आपको दिखाते हैं क्या क्या किया है। दोस्तों, आ गया है जी पिज्जा, और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, दिस इज मार्गरिटा डीलक्स। हाँ हाँ, क्रंची बेस है इसका। चीयर्स। बहुत टेस्टी है यार, इतनी सिंपल चीज है। सो दिस हैज पेस्टो, बुराटा, बेजिल, और जेनुइन ही बहुत अच्छा बनाया, बहुत सिंपल है, बहुत टेस्टी है। आई साव, आई जस्ट लव बुराटा, और इतनी फ्रेश बुराटा ना, एक परफेक्ट पिज्जा होता है जिसमें सॉस को बेस का रेशो अच्छा हो। That's what it is. बहुत tasty है सॉस, बहुत tasty है इसका। एंड द सेकेंड आइटम जो हमने ऑर्डर किया है वो है टोस्टेड ब्रियोश गार्लिक बंस विद फ्रेश रिकॉटा, इन्होंने ऊपर से फ्रेश ऑलिव ऑयल डाला है एक्स्ट्रा वर्जिन। तो हम लेंगे ब्रियोश बन, उसके ऊपर लगाएंगे ये रिकॉटा। सो रिकॉटा ना थोड़ा सा सॉल्टी होता है, सार होता है, एंड उसको ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा हनी के साथ खाओ, इट्स अमेजिंग। ये हमने आई थिंक एक जगह स्विट्जरलैंड में ट्राई किया था और यहाँ पे दिख गया, तो आई थॉट कि क्यों ना, दिस इज हेवन। इतने सारे टेस्ट आ रहे हैं मुझे, बटरी बन है, सॉल्ट तला हुआ है थोड़ा थोड़ा, रॉक सॉल्ट, रिकॉटा थोड़ी सार है, ऑलिव ऑयल थोड़ा बैलेंस कर रहा है, एंड ऊपर से हल्का सा हनी है इसमें। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, मैं तो थोड़ा सा और डाले होंगे। बोन अपेटिटो। Throw away the cars, give me a clear night underneath all the stars. I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar.
तो दोस्तों हम ना अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं विच इज बाओ फॉल्स, पर इस बाओ फॉल की ट्रेल से हम क्या गुजरते हुए देख रहे हैं दैट्स बाओ रिवर। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा वो एमरल्ड सा रिवर राइट, दैट वॉज बाओ रिवर। एंड अभी उसका एक अलग ही पर्सपेक्टिव इतना प्यारी लग रही है ना, अभी मैं क्या बताऊँ, मतलब आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस। पास आओ थोड़ा एंड यू विल सी कि ये जो रिवर का बेड है ना इट इज क्लियरली विजिबल, मुझे लिटरली पत्थर दिख रहे हैं, इट इज इतना क्लीन एंड नज़ारे इज टॉप नॉच। मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे छोड़ के जाने में, इतनी फोटोज खिंचा ली, इतनी रील्स के वो आइडियाज ढूंढ लिए, इट इज ब्यूटिफुल। सो कम विद मी टू अ प्लेस अफार वेयर द पाम ट्रीज डांस एंड स्वे। तो दोस्तों एक खूबसूरत से नजारे देखते देखते मैं भूल ही गई कि मुझे अपना OOTD आपको दिखाना था, ये देखिए। एंड आई गॉट दिस ब्यूटीफुल सी ड्रेस फ्रॉम शीन, बहुत पहले ऑर्डर कर दी थी। कमेंट करिए और बताइए कि आपको कैसे लगी है ये, तो मुझे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने अच्छा तो कुछ ऑर्डर किया था ना। सो रन विद मी इफ वी लीव राइट नाउ वी माइट मेक इट इन टाइम। दोस्तों तो हम लोग बाओ वाटरफॉल्स जा रहे हैं, पूरे रास्ते भर में ना इतना सुंदर व्यू रहा है ना, आप यहाँ पर आ रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर पैदल आना, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ फोक्स जो वहाँ पे गाड़ियों से भी जा रहे हैं, बट वो मजा नहीं आएगा, पैदल चल के आने में ही बहुत मजा आएगा। I have no idea आपको मेरी आवाज प्रॉपरली आ भी रही है कि नहीं आ रही, बट मेरे पीछे बाओ फॉल्स हैं, पानी इतना तेजी से जा रहा है, दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ ट्रमलबैक फॉल स्विट्जरलैंड में, इतना बढ़िया व्यू है ना यहाँ पे। तो दोस्तों अनलाइक अदर वाटरफॉल्स, बाओ फॉल्स की ना इतनी हाइट नहीं है, मतलब बहुत कम स्टीप्स है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कॉल्ड बाओ वाटरफॉल्स, इट्स कॉल्ड बाओ फॉल्स। एंड ये बहुत ही अमेजिंग स्पॉट है फॉर राफ्टिंग, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अभी राफ्टिंग कर रहे थे, बट हमने कपड़े ही ऐसे पहने कि वी कैन नॉट इवन अटेम्प्ट, मेरे को पानी का बहुत डर लगता है, बट इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों आप वो सामने देख रहे हो दैट्स फेयरमोंट बैम्फ स्प्रिंग्स, चेन ऑफ होटल्स है, रुको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ दिस। सो यहाँ पे ना अच्छे तौर मैंने बहुत ट्राई किया था कि हम लोग यहाँ पे जाके कुछ या तो इवनिंग टी या लंच वगैरह कर दें, बट ये ऑलरेडी प्री बुक था, मतलब हमने एक महीने पहले ट्राई किया था और ये अगले दो महीने के लिए उस टाइम पे बुक था। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वेल इन एडवांस बुकिंग करा पाओ, तभी आप यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्विजींस जो होटल्स ऑफर करते हैं वो एंजॉय कर पाएंगे। बट यहाँ की हाइक बहुत खूबसूरत है यार, ये एक नेशनल हेरिटेज साइट है, कुछ 1.6 किलोमीटर है, 20 मिनट तक लगेंगे, बट इट इज़ वर्थ गोइंग देयर एंड एंजॉयिंग द व्यू। चलो हाइकिंग कर तो रहे हैं बट हाइकिंग आसान नहीं है, पूरी सीढ़ियाँ चढ़ाई जा रही है हमें, वंदे मातरम वंदे मातरम। फाइनली पहुंच चुके हैं फेयरमोंट होटल, 20 मिनट की हाइक को अर्चित ने लिटरली कुछ 10 से 15 मिनट की बना दिया था, एक शॉर्टकट से लेके गया था। मेरे इर्द गिर्द आप जितनी भी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना सारी फेयरमोंट प्रॉपर्टीज है, एक जगह कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक जगह गोल्फ कोर्स है, पीछे होटल है प्रॉपर, एंड ये इतना सुंदर बना रखा ना, बीच में आप मेरे यहाँ पे अंकल देख रहे होंगे पॉइंट आउट कर रहे कि भैया यही है फेयरमोंट प्रॉपर्टी, आप सही जगह आ रखे हो। फेयरमोंट होटल के बगल में ही ना बैम्फ स्प्रिंग शॉप्स हैं, पूरा मॉल टाइप है, यहाँ पे पूरी ज्वेलरी क्लोथिंग पेंटिंग्स एंटीक्स पता नहीं क्या क्या है। सो दोस्तों हम आ चुके हैं कैस्केड ऑफ टाइम्स गार्डन, इतना हरा भरा, छांव से भरपूर, घास, ठंडी हवा, इसका अलग ही मजा है। इस लड़के को देखो यहाँ पे शेड्स पहन के सीधा परस चुका है। हाँ जी थकान लग गई क्या? अरे बहुत मजा आ रहा है यार, घास ठंडी ठंडी है, ठंडी हवा चल रही है, धूप से दूर होके आराम से रिलैक्सिंग तरीके से लेटना। तो जब तक अर्चित आराम कर रहा है तो मैंने सोचा आप और मैं इस गार्डन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ है, अलग अलग टीयर्स पे गार्डन बना रखे हैं एंड आई रियली वांट टू एक्सप्लोर इट। चलो तो मेन डाउनटाउन की हसल एंड बसल से दूर ये बहुत ही काम और सीरीन प्लेस है ऑनेस्टली, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है और कनेडियन रॉकीज का एक अलग व्यू मिलता है। तो अगर आपको भी फोटोग्राफी का शौक है जस्ट लाइक मी, आप यहाँ से अच्छे से माउंटेन कैप्चर्स ले सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन्होंने यहाँ पे इन हाउस एक पूल बना रखा है, पॉन्ड बना रखा है, आई डोंट नो, एंड इतनी खूबसूरती से उसे डेकोरेट कर रखा ना, देयर आर फ्रेश ब्लूम्स फ्लावर्स ऑल अराउंड इट। यार इन फ्लावर बेड से तो मेरा लिटरली दिल ही जीत लिया, हाउ कलरफुल एंड ब्यूटीफुल दे लुक यार।
I'm feeling it. My bones telling me it's alright. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. दोस्तों शिवानी टेल्स मी कि उसने और आप लोगों ने मिलके कैस्केड ऑफ टाइम्स गार्डन्स को खूब अच्छे से एंजॉय किया है. वेल दैट इज ग्रेट, क्योंकि मैं उस पेड़ के नीचे बहुत खुश था. वो छांव में रिलैक्स करके मेरे को बहुत अच्छा लगा. एक चीज जो मैं और शिवानी अभी बात कर रहे थे ऑफ डूइंग दिस बैम्फ ट्रैवल सीरीज विदाउट अ कार, जिसमें एक इशू जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है इज दिस धूप. एक्चुअली इस टाइम ऑफ द डे पे वी विल जेन्युइनली प्रेफर कि अगर आपके पास गाड़ी है दैट इज बेटर, आप फटाफट से एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो. यू डोंट रियली हैव टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बिकॉज अभी इस टाइम ऑफ द डे पे हम लोगों के आई थिंक 16-17 हज़ार स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं. धूप को मारने के भी वैसे सॉल्यूशंस हैं. अब ये सनस्क्रीन शेड टोपी वोपी तो हो ही गया है. एक यहाँ पे बहुत पॉपुलर आइसक्रीम शॉप है एंड मैं वहाँ पे पहुंच चुका हूँ. वहाँ पे ऑलरेडी लाइन भी लगी हुई है. तो हमने हमारी आइसक्रीम ले ली है. मैंने ली है कोकोनट क्रीम पाई जो कि बहुत टेस्टी है. अच्छे भी दो स्कूप लिए थे जो कि अब तो एक स्कूप भी नहीं बचा है. गर्मी तो नहीं हो रही है भाई, फटाफट से खाना पड़ रहा है. मैंने ये था डबल चॉकलेट चिप कुकी एंड प्रलीन एंड क्रीम. इसकी बहुत टेस्टी है. पर अब हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, हमें क्योंकि आइसक्रीम को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है एंड उसके बाद थोड़ी देर में हमें दूसरी वीडियो भी स्टार्ट करनी है. हाँ, जो कि हम जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जगह पे. आपको नेक्स्ट वीडियो में पता ही चल जाएगा एंड यू आर थरली गोइंग टू एंजॉय दैट व्लॉग एज वेल. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो देन यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो दिस व्लॉग एंड बहुत सारा प्यार बरसाओ. हम आपको बस थोड़ी देर में मिलते हैं. बाय.